सभी श्रोताओं का आज के प्रोग्राम में स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। व्याख्यान शुरू करने के पहले मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि विगत कुछ दिनों से समयाभाव के कारण ये श्रृंखला जो भी था व्याख्यान का वो बंद हो गया, लगातार नहीं चल रहा है, बीच में रुकावट आ गई थी कुछ मेरी व्यस्तता और अस्वस्थता के कारण, जैसा कि मैं पहले भी इंगित कर चुका हूँ। और इस लंबे अंतराल में बहुत सारे प्रश्न मेरे पास जमा हो गए हैं, जो प्रश्न है यूट्यूब के ऊपर भी प्रश्न है, कुछ व्हाट्सएप पर भी प्रश्न है और कुछ डायरेक्ट फोन करके लोग पूछ रहे हैं। इससे हमको ये समझ में आता है कि इस चैनल से लोगों का जुटाव और लगाव बढ़ते जा रहा है और लोग लगातार जुटते जा रहे हैं और ये प्रभावकारी असर डाल रहा है लोगों पर। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ज्ञानवर्धन तो हो ही रहा है और इसका कुछ लोग लाभ अंशतः या पूर्णतः भी उठा रहे हैं और कुछ लोग उठाने के लिए प्रयासरत है, ये अच्छी बात है, इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ा हुआ है। इसी बीच मैं समय निकाल करके, चूँकि न्यायालय भी खुला हुआ था, न्यायालय में भी कार्यरत रहने के कारण समय अभाव हो जाता है, मैंने एक टाइपिस्ट को स्पेशली डिप्यूट किया है आप लोगों के सवाल को संकलन करने का। मेरे टाइपिस्ट ने कंप्यूटर से और मोबाइल से सारे प्रश्नों का यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर जितने भी प्रश्न थे उसको उसने संकलित करके और टाइप करके कॉपी हमको दिया है ताकि हम जल्दी जल्दी उन प्रश्नों को पढ़ें। तो आज का ये जो लेक्चर है, ये व्याख्यान है, वो भूमि विधान से संबंधित, लैंड लॉ से संबंधित जितने भी प्रश्न आप लोगों ने किए हैं उसी सब प्रश्नोत्तरी वाले में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का, समझिए कि ये आज फिर से लंबा व्याख्यान होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो इसको दो या तीन पार्ट में किया जाएगा। सबसे पहले जितने भी श्रोता हैं उनसे अनुरोध है कि आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनते जाएं, इसलिए कि अगर आपने एक श्रोता ने मधुबनी से जो प्रश्न किया है उसी तरह का प्रश्न एक दूसरे जगह से भभुआ से भी एक श्रोता ने किया है, फिर तीसरा प्रश्न उसी तरह का देवघर से किसी श्रोता ने किया है, फिर चौथा प्रश्न उससे थोड़ा मिलता जुलता डाल्टनगंज से किया है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न एक ही तरह का होता है, कॉमन होता है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आप प्रश्न किए हैं उस प्रश्न को या तो आप नोट करके रखें या उसको आप स्वयं याद करके रखें। और अगर किसी दूसरे के प्रश्न के कंटेक्स्ट में अगर हम उसका उत्तर दे रहे हैं तो आप समझिए कि आप उसको मान के चलिए कि हम उसका उत्तर दे चुके हैं, क्योंकि अब हमने कोशिश किया है कि सभी प्रश्न का हम डॉक्यूमेंटेशन करें, अब हमको पता चल जाएगा कि इसका हम उत्तर दे चुके हैं। तो एक ही प्रश्न का अगर बार बार पूछा जाएगा अलग अलग लोगों से अलग समय में तो समय की बर्बादी हुई, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उसका हम अलग से बार बार नहीं दें प्रश्न का उत्तर, किसी खास समय पर मौका मिलेगा अगर छोटा प्रश्न रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा तो दे सकते हैं, ये हम अपनी सुविधा और आवश्यकता आपकी जैसी है वो समझते हुए इस पर हम कार्य करेंगे। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि जो भी प्रश्न आज हम इस प्रश्नोत्तरी में पढ़ रहे हैं जो संकलित होकर के हमारे पास है सबका जवाब देने के लिए, क्योंकि कई श्रोताओं का रिक्वेस्ट आ चुका है, उसमें कई अधिवक्ता भी हैं, आम जनता भी है, कुछ न्यायिक पदाधिकारी भी हैं, कुछ न्यायिक परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थी भी हैं, कुछ ट्रेनिंग वाले लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, कुछ APO से जुड़े लोग हैं या APO का एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रश्नों का एक पहाड़ खड़ा हो गया है। तो मैं आज प्रश्न को ही सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ और सभी लोग अपना अपना प्रश्न भी याद रखेंगे। जहाँ तक संभव हुआ है मैंने कोशिश किया है कि प्रश्नकर्ता का नाम और कहाँ से प्रश्न किया है और तारीख, ये सब इसमें नोट कर दे, और टाइपिस्ट ने कोशिश किया है नोट करने का, इससे भी आपका होगा, क्योंकि कुछ श्रोता ने कहा है कि सर इतना तारीख के बाद से आपका कोई लेक्चर नहीं आ रहा है, इतना तारीख का मेरा प्रश्न है उसका जवाब नहीं दिया गया है, कृपया मेरे प्रश्न का जवाब दें। ये सब बातों को देख करके और सुन करके हम थोड़ा सा चिंतित जरूर है कि हम देर कर दिए हैं और हमसे नहीं हो रहा है, फिर भी आज हम प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास मेरा तभी सफल होगा
तब आप सभी लोग इस सभी प्रश्नों को सुनेंगे ध्यानपूर्वक और समझेंगे और आवश्यकता अनुसार इसके हिसाब से कार्यरत होंगे। कुछ और विडम्बना ये है, जिसके बारे में पहले भी हम थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि घूस दे के काम करा लें कि नहीं, CEO घूस मांगता है, DCLR घूस मांगता है, ये प्रश्न ही पूछना गलत है और जवाब देना भी तो गलत होगा। घूस देना और लेना दोनों अपराध है, ये हर नागरिक को जानना चाहिए और घूस को प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। जो घूस मांगने वाला पदाधिकारी है उसके साथ आपको विरोध करना चाहिए, उसके साथ भिड़ना चाहिए, इतना ज्ञान और शक्ति आप में होना चाहिए, इसलिए कि वो आपसे टिकेगा नहीं। कितनों बड़ा अफसर होगा, घूसखोर होगा, तो आपके सामने नहीं टिकेगा। कहावत है, चोर सहे चोर, घूसखोर को कोई नैतिक बल नहीं होता है। आप उसके वरीय पदाधिकारी को एक कंप्लेंट कर दीजिए, देखिए उसका ठंडा हो जाएगा, उसका जो भी तेवर है कुर्सी का, जो उसके ऊपर ताव है और गर्मी है, वो ठंडा हो जाएगा। एक एक कंप्लेंट में नहीं होगा, दो कीजिए, दो नहीं तीन कीजिए, तीन नहीं चार कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो घूस मांगने का डायरेक्ट उसके अगेंस्ट में FIR कीजिए या CGM कोर्ट में केस कीजिए। ये सारा बहुत सारा विकल्प, और उसके वरीय पदाधिकारी से लगातार प्रश्न कीजिए, और नहीं तो अगर सरकारी कर्मचारी है तो उन लोग के विरुद्ध लोक आयुक्त में शिकायत सीधे भेज दीजिए। घर बैठे हुए आप रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत भेज सकते हैं लोक आयुक्त में, वहाँ से एक्शन हो जाएगा। सूचना नहीं दे रहा है वहाँ पर तो अपील कीजिए, वहाँ से नहीं दे रहा है तो सूचना आयुक्त के यहाँ सीधे भेजिए। बहुत सा विकल्प है। और कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि पिटीशन फाइल किया म्यूटेशन का, तो CEO रखे हुए हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, अलाउ भी नहीं कर रहा है, और अगर रिजेक्ट किया है तो DCLR रोके हुए हैं। इस तरह का भी प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बारे में भी बताए हैं कि लोक शिकायत निवारक जो प्राधिकरण बना है वो कुछ काम इसमें कर रहा है, इसका भी आप फायदा उठाएं, उसके बारे में जानिए। अगर मान लिया आप किसी पदाधिकारी को कोई पिटीशन दी है और उस पिटीशन पर उसको एक्शन लेना है लेकिन वो नहीं ले रहा है, और आपका पिटीशन ऐसे ही पड़ा हुआ, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उस प्राधिकार में जाकर के एक शिकायत, वो एक तरह का कंप्लेंट होता है, शिकायत पत्र, वहाँ केस नंबर पर भी पड़ता है, एक हाथ से लिख करके भी दे सकते हैं या साफ से टाइप करके एक कागज़ पर वहाँ पर प्राधिकार में दीजिएगा, वो केस नंबर दर्ज हो जाएगा। आपको वहाँ से एक जवाब आ जाएगा कि आपका केस नंबर इतना है, उसमें एक तिथि निर्धारित होगी, उस पदाधिकारी को सूचना जाएगी, उस तिथि पर उस पदाधिकारी को आना पड़ेगा या उसका प्रतिनिधि आएगा, वो जवाब देगा। दोनों पार्टी को सुनने के बाद जो सक्षम पदाधिकार हैं, जो बड़े पदाधिकारी होंगे, उस पर आदेश पारित करेंगे। कई केस में हमने देखा है कि उसी से काम हो गया है। एक CEO को तो 25,000 रुपया फाइन भी लगा है, हिंसा CEO को। एक बार एक क्लाइंट को हम बताए थे, उसने ऐसा ही किया, तो उसका अभी रिट भी हाईकोर्ट में चला, उस CEO को 25,000 रुपया फाइन भी लग चुका है। तो इस सब का भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक बार भिड़ गए हाकिम से और गलत तरीके से आपका काम रोके हुए या गलत कर रहा है, तो आप जो भी पदाधिकारी स्थानीय पदाधिकारी है वो समझेगा कि आदमी कानूनी कार्रवाई कर सकता है, तो आपके साथ वैसा नहीं करेगा, उसके व्यवहार में देखिएगा कि बदलाव आ जाएगा। इसलिए अब प्रश्न लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न, ये अभी ख्याल नहीं रखिएगा, हो सकता है कि टाइपिस्ट की गलती से या असावधानी से डेट आगे पीछे किसी का हो सकता है, पहले वाला प्रश्न हो सकता है बाद में आ जाए, बाद वाला पहले आ जाए, उस पर हमने कोशिश किया एक भी प्रश्न नहीं छोड़े। सबसे पहला प्रश्न है मनोज जी का, इन्होंने जो अपना दिया है एड्रेस दिया है bkj222@gmail.com, और इनका डेट है 23/9/2023। ये कहाँ से पूछते हैं, इन जगह नहीं दिया है, क्या करते हैं भी नहीं दिया है। तो मनोज जी bkj222@gmail.com 23/9/2023, आप समझ जाएंगे आपका प्रश्न टेकअप कर रहे हैं। इनका प्रश्न है BT एक्ट के बारे में बात करने के लिए परमिशन मांगा। अच्छा, और इनका प्रश्न नहीं था, इन्होंने BT एक्ट के बारे में बात करने के लिए हमसे परमिशन मांगा लेकिन बात नहीं किया, कुछ कागज का फोटो कॉपी भेजा जिसके आधार पर पूछा गया है कि खाता खोलने का आदेश किस आधार पर दिया गया है। देखिए, इस तरह का जो प्रश्न, इस तरह का तरीका जो आप लोग अपनाते हैं, ये भी गलत है। आपने हमसे फ़ोन से पूछा कि हम BT एक्ट पर बात करेंगे, बात करने के लिए फ़ोन से पूछेंगे, तो हर व्यक्ति से फ़ोन पर हम बात नहीं कर सकते हैं, उतना समय नहीं दे सकते, पहली बात। एक कोई प्रश्न हो, छोटा सा प्रश्न हो, एक मिनट में आधा मिनट में उसका अगर जवाब दिया जाए
तो इसे केस में हम जवाब दे देते हैं, अभी तक देते आए हैं, इसलिए बहुत लोग उत्साहित होकर के बार बार फोन करते हैं या बहुत लोग फोन करते हैं। इस पर आप कोशिश कीजिए कि ऐसा परिस्थिति नहीं आवे। अब खास करके इनका मनोज जी का, अब BTF के बारे में बात करने में क्या बात कर रहा है, तो BTF का हम कोई गप करने के लिए तो नहीं बैठे कि आपसे BTF पर बात करेंगे, आप गप तो हो नहीं सकता कानून के बारे में, तो कानून की व्याख्या करेंगे तो BTF की व्याख्या तो अगर 24 घंटा भी करते रहेंगे तो नहीं हो सकता। BTF कोई साधारण एक्ट नहीं है, इतना लंबा चौड़ा एक्ट है, 200 सेक्शन है उसमें, सबके बारे में बात करेंगे तो आप क्या समझिए, अगर आप लॉ नहीं जानते हैं, एक्सपीरियंस आदमी नहीं है तो आप नहीं समझिएगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछने से बचे। BTF से संबंधित कोई सवाल हो आपके मन में तो वो बता सकते हैं कि हमारा फैक्ट पहले बताइए, ऐसा मेरा हुआ है, इसमें क्या होगा, हमको क्या करना है। इसीलिए हमने परमिशन भी इनको दिया था लेकिन बात नहीं किया था, यही इन्होंने लिखा है। हमने रिप्लाई क्या दिया था सुनिए, इनका रिप्लाई व्हाट्सएप पर ही दिया हुआ है। रिप्लाई हमने दिया जब इन्होंने कहा कि हम कुछ कागज़ का फोटो कॉपी भेजे हैं जिसके आधार पर पूछा गया है कि खाता खोलने का आदेश किस आधार पर दिया गया। अब कुछ कागज़ का फोटो कॉपी भेजे, ऐसा कागज़ का फोटो कॉपी भेजे है तो ये हमारे पास अगर 2-4 स्टाफ बढ़ा देंगे तो भी सब काम में होगा, हमारा जो अपना पैसा है वकालत का वो भी भट्टा बैठ हो जाएगा। इसलिए कि ऐसा ऐसा कागज़ लोग भेजते हैं, 1 पन्ना नहीं 2 पन्ना नहीं 4 पन्ना, जिसको फोटो कॉपी निकालना ही मुश्किल होता है। PDF में वर्ड में अगर क्लियर नहीं है, टाइप किया हुआ नहीं है, पुराना कागज़ है या कार्बन कॉपी है या लीड कलम से लिखा हुआ है, ब्लू से लिखा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता है, प्रिंट निकालने में समय भी लगता है और स्टाफ को लगाना पड़ता है, हमारे पास समय नहीं कि हम खुद लगाएं, उसके लिए एक आदमी को लगाना पड़ता है, वो प्रिंट निकालने के बाद वो ठीक से पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन कागज, पढ़ने में भी समय लगता है, आँख पर जोर पड़ता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी उसके लिए रखते हैं, आप लोग समझते होंगे कि जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए एक बार आज हम सब बात बता रहे हैं कि अब से ऐसा रहेगा तो सीधे हम उस जो लोग इस तरह का प्रश्न पूछेंगे उनका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देंगे, हम ऐसा प्रश्न इंटरटेन नहीं करेंगे, सिर्फ YouTube के प्रश्न को इंटरटेन करेंगे। और जो कागज़ भेजे वो कागज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं तो जो कागज़ भेजेंगे, आप बहुत सारा कागज़ है और कागज़ के आधार पर राय लेना है तो सब फोटो कॉपी पढ़ने लायक या टाइप कॉपी कुरियर से हमारे एड्रेस पर भेजिए और राय लेने का फीस 16,700 भेजिए, तब आपका प्रॉपर राय होगा, या तो फिर आ करके हमसे राय लीजिए, इस तरह का काम मत कीजिए। इसलिए इनको हमने रिप्लाई भी कह दिया था, रिप्लाई में ही लिखा है, रिप्लाई कम विथ ऑल पेपर्स फॉर कंसल्टेशन आफ्टर टेकिंग प्रायर अपॉइंटमेंट, देन करेक्ट ओपिनियन में बी गिवेन, कंसल्टेशन फी ₹16,000 ऑनली। मनोज कुमार को हमने लिख करके ये रिप्लाई भी दे दिया है, आज ही रिप्लाई सार्वजनिक कर रहे हैं, सबों के लिए कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का प्रक्रिया नहीं अपनाएं आप लोग के पास। दूसरा प्रश्न लेते हैं, मनु गिरी है, ये रक्सौल से फ़ोन कर रहे हैं, क्या करते हैं नहीं मालूम है और इनका डेट भी नहीं नोटेड है, इनका प्रश्न हम दे रहे हैं। मनु गिरी जी आप ध्यान से सुनिएगा, इनका प्रश्न है हमारे पूर्व जमींदार से, पूर्व मतलब इनके पूर्वज जमींदार से गोपाल गिरी, उन्होंने 1927 में ही अपने उत्तराधिकारी लोगों को बकास मालिक जमीन पट्टा द्वारा बंदोबस्त कर दिया, इसकी जमाबंदी चलने लगी और बिहार सरकार लगान वसूल करने लगी, जमाबंदी आज के डेट में भी जमाबंदी चल रही है, रसीद कट रहा है, जमीन खरीद बिक्री हो रही है लेकिन म्यूटेशन में CO रिजेक्ट कर दे रहे हैं, लिख कर केवल की बकास खाते की जमीन है इसलिए स्वीकृत किया जाता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। सर DCLR के यहाँ भी अपील हुआ है इसमें लेकिन कोई सुधार देखने को नहीं मिला है, हम चाहते हैं कि CO और कर्मचारी के ऊपर कैसे कार्रवाई, उसके लिए सर आपका मार्गदर्शन चाहिए। दूसरा प्रश्न का है, लोक अदालत में केस किया जा सकता है कि नहीं या RTI में पूछ सकते हैं कि नहीं, इनको हमने जवाब ही दिया है रिप्लाई, समय लेकर कागजात के साथ मिल सकते हैं, एक साथ बहुत सा प्रश्न है बहुत सा कार्रवाई है इसलिए संभव नहीं है, फिर भी हम जवाब शॉर्ट में दे रहे हैं। लोक अदालत में डायरेक्ट कोई केस नहीं होता है, ये जमीन जमीन जायदाद से संबंधित लोक अदालत में पावर नहीं है केस करने लेने का, इसलिए वहाँ केस नहीं होगा। कर्मचारी के ऊपर और CO के ऊपर केस हो सकता है, जैसा भी बताए उनके वरीय पदाधिकारी के यहाँ दीजिए, कलेक्टर को दीजिए, कमिश्नर को दीजिए, सेक्रेटरी को दीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दीजिए
बिजनेस डिपार्टमेंट को दीजिए, अगर घूस घास की बात हो तो, या आप दीजिए मुख्य सचिव को दीजिए, कहीं भी दीजिए, वरीय पदाधिकारी को दीजिए, तभी देखिए कि आगे क्या होता है। वो अपना चलते रहेगा लेकिन उससे आपका आदेश नहीं होगा। जब वो रिजेक्ट करेगा, जिसे राज अगर रिजेक्ट करेगा तब फिर उसका अगेंस्ट में रिविजन होता है, वो विधिवत वकील रख के आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। आप ही चाहिएगा कि म्यूटेशन, अगर सीओ के यहाँ वकील रखना ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ पर अपने से दरखास्त दे के आप करा सकते हैं, और डीसीआर के यहाँ भी अगर वकील नहीं रखते तो शायद वहाँ तक काम हो जाए, लेकिन अब ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपको वकील के शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं स्वयं, फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया आपको नहीं मालूम है, तो वहाँ स्थानीय वकील को पकड़िए और वहाँ पर गृह को जानकार वकील को पकड़ के उनसे काम लीजिए, कलेक्टर के यहाँ जाइए, अगर वहाँ नहीं होगा तब पटना आइए, तो आगे यहाँ हाई कोर्ट में रिट हो सकता है या बीएलटी में केस हो सकता है। ये रहा आपका जवाब। उसके बाद तीसरा प्रश्न है अमर राघोपुर सुपौल, अमर राघोपुर सुपौल दिनांक 27/9/23, इनका क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर चार्जेज इन टाइटल सूट इन प्लेंटिफ। अच्छा, इनका पूछने का मकसद है कि टाइटल सूट में प्लेंटिफ, प्लेंटिफ नहीं प्लेंट होना चाहिए, कि प्लेंट बनाने का क्या चार्ज। तो इसका रिप्लाई भी हमने दिया था, कमिंग माई ऑफिस विथ ऑल पेपर्स आफ्टर टेकिंग अपॉइंटमेंट फॉर सिटिंग माई ओपिनियन, देन आई शैल ओपाइन अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ लीगल एक्शन। अभी टाइटल का सिर्फ फीस पूछ रहे हैं, इनको टाइटल करना है कि नहीं करना है, और कई तरह का टाइटल होता है, कई टाइटल बहुत बड़ा बड़ा होता है, कई छोटा टाइटल होता है, किस तरह का मैटर है, कितना डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, अब कितना वहाँ समय सीमा लगेगा, उसका कोई फीस अलग अलग एक फीस में नहीं होता, अलग अलग काम का अलग अलग फीस होता है, इसलिए फीस हम नहीं बताएं। जनरली सबसे छोटा अगर प्लेट रहता है तो उसका 55,000 फीस लेते हैं, और अगर बड़ा प्रश्न और कम्प्लिकेटेड रहा तो बढ़ करके 75,000 से 1,10,000 तक लगता है। दूसरा क्वेश्चन इनका है, सर इट इज पॉसिबल फॉर ऑनलाइन ओपिनियन नीड टू कम फ्रॉम सुपौल, वी विल पे द चार्जेज, काइंडली लेट अस द ऑनलाइन कवर फोन चार्जेज। ये सवाल इनका है, हमने जवाब ही इनको दे दिया है और बार बार फ़ोन पर जवाब दे रहे हैं, अभी भी कुछ देर पहले जवाब दिए हैं, पहले भी दिए, रिप्लाई में हमने भेज दिया है सेंट ऑल पेपर्स थ्रू कुरियर, देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑनलाइन फॉर विच चार्जेज ₹16,000, अकाउंट डिटेल एंड ऑफिस एड्रेस ऑल्सो सेंड। उसी में सब भेज दिया इनको, अपना अकाउंट नंबर भेज दिया, ऑफिस का एड्रेस भी भेज दिया, ताकि उसी एड्रेस पर कुरियर से भेज दीजिए, तो आपको ऑनलाइन ही रिप्लाई मिलेगा। ऑनलाइन आपका बिहार क्या छोड़िए, महाराष्ट्र से और दिल्ली से और गुजरात से, वहाँ से लोग आ रहा है ऑनलाइन दे रहे हैं, यूपी के कानपुर से कई वकील ने भेजा है, उसका जवाब दे रहे हैं, लोग चल रहा है, बिहार वाले को पता नहीं इसलिए और हिचकते हैं या पैसा नहीं देना चाहते हैं। मुफ्त में, यहाँ कहावत है बिहार में कि अगर मुफ्त का जहर भी मिलेगा तो वहाँ भी लाइन लग जाएगा, मुफ्त में लाइन राय देने का उसका कोई वैल्यू नहीं है, और उसका कोई उस पर ध्यान नहीं देते हैं, समझते हैं कि यूट्यूब पर लेक्चर दे रहे हैं तो मुफ्त में अवेलेबल है ही है, तो जितना है पूछ ही लेते हैं, काम का नहीं है फालतू भी है वही पूछ लेते हैं, ये टेंडेंसी जो ग्रो कर रहा है वो ठीक नहीं है। अगर आप सचमुच में नीडी आदमी है, अगर आप बीमार है तो चार गो डॉक्टर सड़क पर है, किसी डॉक्टर से आप पूछ के एक दवाई खा लीजिए, दूसरा डॉक्टर से पूछ के दवाई खा लीजिए, तो क्या हाल होगा। उसी तरह से वकील बहुत सारे हैं, किसी से एक बात पूछ लीजिए, दूसरा से दूसरा बात पूछ लीजिए, ऐसा आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा केस किस तरह का है और उसका समाधान किस तरह के वकील सुलझा सकता है, उस वकील के पास कायदे से जाना चाहिए, कागजात दिखाना चाहिए, समझना चाहिए, और तब उससे काम लेना चाहिए, तब आपको अपना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। अदरवाइज सिर्फ ऐसे ही प्रश्नबाजी करने से और कुछ हम उत्तर दे देंगे उससे आपका लाभ नहीं होगा, और बार बार हम कहते हैं जो हम उत्तर देते हैं आप जो फैक्ट हमको बताइएगा उसी के अनुसार हम उत्तर देते हैं, अगर उसमें थोड़ा कमी होगा या गलती होगा, आधा अधूरा बताइएगा तो उत्तर भी मेरा गलत हो जाएगा, तो बाद में मेरा नाम भी बदनाम कीजिएगा कि आपने ऐसा उत्तर दिया था, हमारा केस गड़बड़ हो गया। इसलिए भी हम डरते हैं कि हर तरह का उस भेग प्रश्न हो या अधूरा प्रश्न हो, आधा अधूरा उसका जवाब नहीं दे, इसलिए आप सभी श्रोता से अनुरोध है कि इस प्रकार के कार्रवाई से बचे और इस तरह के प्रश्न करने से बचे। जहाँ लगता है कि आपका कम्प्लिकेशन है, मामला टेढ़ा है, कागज पत्र उठाइए,
और लेके सीधे चले आइए, सबसे आसान। चौथा प्रश्न, शिशिर राठौर दिनांक 18/9/2023, ये कहाँ से ही नहीं पता है इनका, लेकिन जहाँ तक हमको याद पड़ता है कि ये शायद गया के रहने वाले हैं, कहीं बाहर में रहते हैं। 18/9/23 को भेजे हैं। इनका क्वेश्चन है, आई हैव ए लैंड ऑन विच आई डू नॉट पे लगान, यानी कि बेलगानी लैंड है। इन सी एस सर्वे नेम ऑफ माई ग्रैंड फादर इन मेंशन, कैडेशनल सर्वे में इनके दादा का नाम जमींदार गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह का दर्ज है खतियान में। ये जमीन है, आई डू नॉट पे माई लगान, बेलगान जमीन है और खतियान में गुप्तेश्वर प्रसाद का नाम है। इन सी एस सर्वे नेम ऑफ माई ग्रैंड फादर इन मेंशन, जमींदार गुप्तेश्वर जमींदार के रूप में उनका मेंशन है। और नेचर ऑफ दी लैंड परती भूमि है, वी हैव रिसीव्ड दिस लैंड आफ्टर फैमिली डिवीजन, माई अदर रिलेटिव्स आर ऑल्सो कल्टिवेट देयर पोर्शन, मैंने इनको बंटवारा, पारिवारिक बंटवारा मिला है और लोग भी इनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उसमें खेती कर रहे हैं। दिस लैंड वी आर वी वेयर कल्टिवेटिंग 1970, आफ्टर दैट ड्यू टू नक्सलाइट वी लेफ्ट। 1970 तक ही लोग जोत रहे थे, नक्सलाइट की वजह से छोड़ के भाग गए। आफ्टर 2008 वी अगेन स्टार्टेड कल्टिवेशन, 2008 के बाद फिर से ही खेती शुरू हुई है। सर, दिस इज दिस लैंड लीगली आवर्स एंड सी यू इज सेइंग प्रति भूमि ग्रास है, इनका प्रश्न है कि क्या ये जमीन हमारा है कि नहीं। सी यू कहता है कि घास है, घास का भूमि जो है उस सरकार का होता है। दे डू नॉट हैव जमींदारी रिटर्न, जमींदारी रिटर्न नहीं है। प्लीज भाई सर, इन केस इफ इट इज पॉसिबल कैन अरेंज इन दी एडवोकेट इन गया फॉर टेकिंग केस। अब इनका प्रश्न है कि आप हमको गया में वकील खोजिए, खोज सकते हैं, ये मेरा काम नहीं है। आप कैसा कैसा एब्सर्ड प्रश्न पूछते हैं, ये प्रिविलेज आपको मिला है तो इसका मतलब क्या है, हम इसी के लिए बैठे हो कि हम वकील खोजने जाए। अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर दूसरा आदमी खोजेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको वकील की जरूरत है, आपको जाना पड़ेगा, आपका केस है आप उसको बताइएगा, दूसरा आदमी क्या बताएगा। और वकील को हम जिसको खोजेंगे उसका फीस है 10,000, आप कहेंगे हम 1,000 देंगे, ये सब नहीं होता है, ये सब गलत तरीका है प्रश्न पूछने का। आई विल पे चार्जेस फॉर माई केस एज एन वेट कॉन्ट्रैक्टेड एडवोकेट, हियर दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपको आइडिया नहीं है तो जाइए वहाँ गया शहर में, जाइए 10 वकील से मिलिए, पता कीजिए, सब पता चल जाएगा। हमको पता है, हम किसी वकील को कैसे बोलेंगे कि अच्छा है और ख़राब है, हमको कोई पता नहीं। हमारे पास कोई वकील आता है उससे हमारा परिचय होता है, जब हाई कोर्ट में मैटर रहता है लोअर कोर्ट के वकील लोग भी आते हैं मिलने के लिए, केस लेके आते हैं या डिस्कशन या कंसल्टेशन के लिए आते हैं, और उनसे कई बार भेंट मुलाकात है तो उससे आइडिया होता ही, पता चलता है कि उनका लीगल एक्सपीरियंस कितना है और लीगल डेप्थ क्या है। ऐसे कोई हम किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में नहीं बोल सकते। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया, सर विच डॉक्यूमेंट डू आई नीड, कहने का भी चाहते हैं कि हमको और क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आप क्या चाहते हैं। सब प्रश्न भेज गए, ये सब प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा आपको, जान लीजिए सब प्रश्न भेज गए, आप क्या चाहते हैं आपको खुद पता नहीं, जब आपको खुद पता नहीं दूसरा आदमी क्या देगा, हम क्या बताएंगे आपको क्या डॉक्यूमेंट हम बताएंगे। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, डॉक्यूमेंट बनेगा तो जाली भी डॉक्यूमेंट होगा, केस बनाया जाएगा, जो आपके पास वकील के पास जाएगा वो केस बनाएगा आपका, कि आपका कैसे एक्ट ऑफ पोजीशन है, टाइटल कैसे हुआ है, आपसे फैक्ट पूछेगा, उसी के आधार पर बनाएगा। आई विल ट्राई टू गेट अटेस्टेड कॉपी बिफोर मीटिंग यू, प्लीज गिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन माय केस वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सर, इन सम प्लॉट प्रति कदीम इज रिटन इन पॉसिबल क्लेम प्रति इन कदीम, सब इसकी सवाल को बार बार घुमा के पूछ रहे हैं, लंबा चौड़ा लिखने में कोई जरूरत नहीं, कि प्रति कदीम जमीन अगर है तो उसमें मेरा दावा टिकेगा कि नहीं टिकेगा। और दूसरा फिर लिखते हैं, प्लॉट्स कल्टिवेटेड बाय यस लैंड डिस्क्रिप्शन प्रति कदीम, प्लीज सजेस्ट इज लीगल रेमेडी अवेलेबल और सेंड
गिफ्ट ब्राइब या यही जैसा भी कुछ देर पहले कहीं पूछ रहे हैं, लिखित पूछ रहे हैं कि हम घूस दें ब्राइब दें, कि गया के एडवोकेट ने कहा है कि घूस दें। अब इसी के लिए हम बैठे हुए हैं सब प्राइवेट से बात करने के लिए। हमने इनको समझे कि या तो इनको अनुभव की कमी है, या बहुत घबराहट में है, या बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, दो ही कारण हो सकता है। इसलिए हम इनके स्मार्टनेस को देखते हुए रिप्लाई भी इनको दे दिया है, लिखित रिप्लाई दिया है, इसलिए भाग भी नहीं सकते हैं, सब हमारे पास उसका प्रिंटेड कॉपी है। रिप्लाई में लिखा हुआ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मुझसे मिलने के लिए आपको हमसे समय लेना होगा फ़ोन से या व्हाट्सएप पर, पूरी बात समझकर आपको सही कागजात को देखकर पूरी राय दूंगा, जिसका फीस 16,000 रुपया लगेगा, कौन सा केस होगा, कहाँ होगा, सभी कागजात देखकर बताएंगे, उसी अनुसार फीस बताएंगे। आपको लिखित जवाब दे दिए हैं, इसलिए अब अलग से अभी आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो ज़मीन आपके पास है, कब्जा के आधार पर आपका ज़मीन रहेगा। सरकार से आपको आज न कल लड़ना होगा। CO DCLR कोई भी ऑर्डर आपके खिलाफ करता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऊपर के कोर्ट में जाइए या सिविल कोर्ट में टाइटल सूट फाइल कीजिए, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और इंजंक्शन का प्रेयर कीजिए, आपका हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है संजीव कुमार आरा, इन्होंने लिखा है, सर मैंने आरा नगर निगम से 15 धूर जमीन 9/14 में लिया है, जिसका खतियान 108 का है, और न्यू सर्वे में निगम का नाम चल जाने के कारण बंदोबस्त कार्यालय से अपना कागजात दिखाकर बंदोबस्त अपने नाम किया, फिर भी निगम द्वारा उस जमीन को पेपर में निकाल कर खेती में देता रहा, तो सिविल कोर्ट में टाइटल किया गया तो भी निगम कोर्ट नहीं आया, तो एक्सपायरी डिग्री 23/13 को हुआ, इसके बाद सभी जमीनों को रैयत ने बेच दिया, तो उसी बीच 13/14 को नगर निगम से साइट के लिए मिसलेनियस फाइल कर देता है और बोल रहा है कि यह सरकारी ज़मीन है, क्योंकि 1936-37 में गजट के माध्यम से नगर पालिका को दिया गया महिला टीचिंग ग्राउंड के लिए, जिस पर निगम 1990 से ही खेती के लिए बंदोबस्त कर रहा है, और हमने उस पर हमने मकान भी बना लिया है और मेरे द्वारा अप टू डेट रसीद भी कटवा रहे हैं, और फिर टाइटल 408/17 में ही मेरे रैयत को पार्टी बना रखा है, इसमें कुल 5 रैयत को पार्टी ही बना है, नया मामला भी लंबित है, सर मेरे साथ क्या न्याय होगा? बहुत सही न्याय होगा आपके साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो रास्ता आप अपनाए हो उससे आपको न्याय के नज़दीक पहुंच के भी न्याय से कोसों दूर रहेगा। आपका दो दो तीन तीन को टाइटल मुकदमा चल रहा है, आप यूट्यूब पर प्रश्न पूछ के आप उसका हल चाहते हैं, आपको गया में जो अच्छा सिविल के सबसे वकील है उनसे जाके मिलिए, आगे कानूनी कार्रवाई करना है, जो भी मिलेगा आपको कोर्ट से मिलेगा, नहीं तो कोई राहत नहीं मिलेगा। आप पैखाना वाला ज़मीन पर घर बनाने में कौन आपको राय दिया वो ज़मीन खरीदने के लिए लेने के लिए, यही तो गलत किए हैं। उस जोशी से भी दिखा लीजिए, उस तरह के ज़मीन पर घर नहीं बनना चाहिए, आपको हमेशा झंझट परेशानी बना रहे। जमीन का मिट्टी का जांच कराइए, कोई जानकार आदमी मिले तो उसमें केस मुकदमा झंझट भी चलते रहेगा, और उस पर कभी मकान में आप रहिएगा नहीं, सुकून नहीं मिलेगा। आप अच्छा पहले कानूनी राय लीजिए, तब वो सब ज्योतिषीय राय लीजिएगा, अगर ये सब जानते हैं और मानते हैं तो। वास्तुशास्त्र भी एक होता है, अब वास्तुशास्त्र के अनुसार जो उसके जानकार है वो जमीन की मिट्टी जाँच करके आपको सही बता देंगे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि मेरा ये राय देने का नहीं, लेकिन आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद आप नौकरी करते हैं, कार्यालय में करते हैं और कागजी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, लगता है आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। आप अपना वकील से क्यों नहीं पूछते हैं? आपको अपने वकील से हमसे बात करवाना चाहिए, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या वो वकील जिनको आप रखे हैं वो जानते ही नहीं है, बिना जाने हुए ही काम कर रहे हैं, उनको बिरहनी का भी मंत्र नहीं मालूम है, गोहमन साहब का भी विष उतार रहे हैं जान रहे हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी, खैर जो भी हो। छठा प्रश्न है रवि रंजन कुमार मुजफ्फरपुर का, इनका है 30/3/23 और 21/9/23, 2 तारीख का प्रश्न है, बिहार मद्यनिषेध उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 या कानून अभी तक लागू हुआ है या नहीं, प्लीज सर जरूर बताइएगा। हमने इनको रिप्लाई दिया है, किताब खरीद कर पढ़े, ये सब किताब को क्या जरूरत है, आप लॉ के स्टूडेंट हैं कि नियमावली लागू हुआ है कि नहीं लागू हुआ है, नहीं भी लागू हुआ है तो भी आपका केस चलवे करेगा, अभी आप अगर दारू पीजिएगा और दारू लेकर चलिएगा या दारू रखिएगा, इसका ही मकसद नहीं कि कानून जान के कानून का उल्लंघन करें। आपको जवाब दे चुके हैं, आप किताब बाजार में उपलब्ध है, देखिए उसमें लिखा हुआ है लागू है कि नहीं।
सातवां प्रश्न है संजीव बरनौसा का, 25/9/23 को इनका प्रश्न है, हाईकोर्ट में केस फाइल करना है, कितना फीस लेंगे, यूट्यूब चैनल बंद है, रिप्लाई। इनको हम 25/9/23 को ही रिप्लाई दे दिया। ये भी बहुत बार प्रश्न करते रहते हैं एक ही बात को घुमा फिरा के, लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं करते हैं। और यूट्यूब चैनल कभी बंद नहीं होता, ये कह रहे हैं झूठ मूठ यूट्यूब बंद है, हमने बिल्कुल रिप्लाई भी दे दिया है। हाईकोर्ट में केस करना है तो यूट्यूब पर प्रश्न पूछे या घर बैठे, हाईकोर्ट में केस नहीं होगा। केस करने के लिए सारा कागजात आपको बंडल बांध करके ले करके मेरे पास या जो भी हाईकोर्ट के वकील हैं उनके पास आना होगा और उनका फीस देना होगा। हाईकोर्ट के वकील का फीस ज़्यादा होता है, अब कोई भी रिट में कम से कम 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपको खर्चा आएगा। सुजीत कुमार, सुजीत कुमार 23/9/2023, सर भू माफिया लोग 6 महीने से मेरे जमीन के पीछे लगे हुए, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे अपनी जमीन को कैसे बचाएं। अभी कोई प्रश्न है वो क्या कर रहा है, भू माफिया नहीं कर रहा है, इसमें हम क्या राय दे सकते हैं। इसीलिए कहा कि आप लोग प्रश्न करने के पहले खुद नहीं सोचते हैं। अगर आपको भू माफिया जमीन पर परेशान कर रहे हैं, किस तरह से परेशान, कोई लीगल एक्शन लिया है या इलीगल एक्शन लिया है, कोई गैरकानूनी काम आपके ज़मीन से संबंधित किया हो तो उसके बारे में बताएंगे, या कोई कानूनी तरीके से कोई कार्रवाई किया हो आपके विरुद्ध उसका बताएंगे। इस तरह का भेद प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं हो सकता, फिर भी हमने इनका लिखित प्रश्न था इसलिए लिखित उत्तर दे दिया है। आप सभी कागजात लेकर पटना कर मिले तभी कुछ उपाय बता सकता। 9वां प्रश्न है विजय कुमार 25/9/23, सर्वे खतियान में बकास रेंट फीदार है, यह ज़मीन क्या है, इसका लगान रसीद कट रहा है। आपको बकास्त के बारे में बता चुके हैं, इनका रिप्लाई दे चुके हैं, पहले भी हम दे चुके हैं, और बकास्त जमीन पूरा बकास्त के बारे में लेक्चर आप फिर सुन लीजिए। उसमें रेंट फीदार, रेंट बकास्त जो है ना, जिसको जिसको बकास्त है उसको रेंट नहीं देना पड़ता था, इसलिए रेंट फ्री हुई जमीन है। बकास जमीन जमींदार ने किसी को दे दिया, उसके यहाँ काम उम करता होगा, जनरली वैसा ही आदमी को रेंट फीदार बना देता है, उससे लगान नहीं लेता था। बकास दे दिया कि तुम जो तो करो, कब्जा करो या घर बनाओ या कुछ करो, जो भी काम के लिए दिया उससे रेंट नहीं लेता था, तो उसको हो सकता है कहीं। अभी कहाँ लिखा हुआ है रेंट फीदार, ऐसा तो खतियान में लिखा हुआ है सर्वे खतियान में बकास रेंट फीदार, जमीन क्या है तो किस कॉलम में कहाँ पर लिखा हुआ ईवी से क्लियर नहीं पता चलता है। ऐसे स्थिति में खतियान का कॉपी का साफ कॉपी भेजना चाहिए था, फिर भी इसका मतलब यही है कि जिसका है उसी का जमीन है और उसको लगान नहीं लगता है। 10वां प्रश्न है सुभाष कुमार, ये आर्मी में कहीं काम करते हैं, इनका 14/8/2023 का प्रश्न है, ये फोन पर बात की है, उसके आधार पर उनको हिंसा के वकील साहब से संपर्क करने को कहा गया। परवीन कुमार वकील 16/9/23। एक और उन्होंने भेजा है, इनको तो बात कर दिए थे, फोन से बात हुआ था, इनसे जवाब दे दिया, किसी से भी आप ईसाई इस्लामपुर के आसपास के रहने वाले हैं सुभाष कुमार, तो आप हिंसा का कोई भी वकील से पूछिएगा जाकर के, तो अनिल कुमार सिविल के अच्छा वकील है, उनका आपको पता चल जाएगा। फोन नंबर हमको उपलब्ध नहीं हुआ है इसलिए हम उपलब्ध आपको नहीं करा सके। 11वां प्रश्न है प्रणव रंजन अरवल कुर्था, इनका प्रश्न है बकास मालिक जमीन में हमारे पूर्वज मालिक थे, हमारे पिताजी के नाम से जमाबंदी भी है, तो रहती जमीन कैसे करें, मालिक गर्मजुआ जमीन के भी हमारे पूर्वज मालिक है, उसका कागज में LMP है, उसका कौन सा कागज में LMP है, यही उसका LMP का पूरा माने क्या होता है, कौन सा कागज है, बिना कागज देखे जवाब नहीं दे सकते। सर जी तो क्या रहती जमीन कैसे करें, रेंट रोल का कागज कैसे निकालें, ये सब चीज़ हर बात पूछिएगा तो बहुत मुश्किल है, वहाँ पर कोई वकील से पूछिए, कचहरी में मुंशी होता है उससे पूछिए, पेशकार से पूछिए। रेंट रोल ये सब कागज जो है जमींदारी जाने के समय जमा किया था और जहाँ बना था आपके सब डिवीजन में या जिला में वहाँ के रिकॉर्ड रूम में मिलेगा, कलेक्टर के रिकॉर्ड रूम में वहाँ से मिलेगा, वहाँ जाके चिरपुट दीजिए नकल मिल जाएगा। अब फिर कहते हैं रेंट रोड का कागज कैसे निकालें, सर जी कृपया एक वीडियो बनाइए लगान निर्धारण के लिए, हर बात के लिए वीडियो होता है, आप जितना वीडियो बनाए
अब तक के लैंड लॉ पर जितना लेक्चर दे चुके हैं, 37 लेक्चर, उसमें हर बात का ही सब का जवाब दिया हुआ है। आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, न उसको सुनिएगा, आप हम ही से सुन सुन करके एक ही बात को 50 बार पूछिएगा, 50 बार हम बोलेंगे इतना फालतू समय नहीं, जो भी हम सेवा दे रहे हैं ये भी बंद रहा। अगर आप लोग का यही रवैया रहा तो हम एक भी लेक्चर लैंड लॉ पर नहीं देंगे। हम सिर्फ जज के पढ़ाते हैं, जज और वकील के लिए अंग्रेजी में लेक्चर देंगे और एक्ट वाइज के कानून पर देंगे, इस तरह का जनरल लेक्चर नहीं देंगे। आप लोग सब बहुत परेशान कर रहे हैं, फालतू फालतू सब बकवास सवाल करते रहते हैं, इसलिए आप इस पर ध्यान रखिए, ये सब सवाल नहीं कीजिए। रेंट रोल का कागज़ कैसे निकालें, हम मुंशी हैं कि आपको बता दें कैसे निकालें, ये आपके बदले हम जाके निकाल दें, इतना हमारे फालतू समझे हैं। हमको लेक्चर उपलब्ध हो जाता है, मोबाइल आपके हाथ में है, खाली अंगुली बटन दबाए आपका लेक्चर मेरा उपलब्ध हो गया। आपको हमसे मिलने के लिए रुपया खर्च करना पड़ेगा, हमसे राय लेने के लिए 5 मिनट बात करने के लिए 20,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब आपको तब समझ में आएगा कि मेरे समय का क्या कीमत है, आपको ऐसे कुछ नहीं बुझाता है। इसलिए आइंदे या तो आपका हम ब्लॉक कर देंगे व्हाट्सएप, या आपका फ़ोन ब्लॉक कर देंगे, आपसे कोई बात नहीं करेंगे, और यूट्यूब पर जो प्रश्न रहेगा फालतू उसका भी जवाब नहीं देंगे, जो सटीक और सही प्रश्न रहेगा शॉर्टकट उसी का जवाब देंगे। आप नकल निकालने के लिए जाइए, चिटकुट फाइल कीजिए, और लगान निर्धारण का वीडियो क्या बनाएगा, लगान निर्धारण के लिए CO के यहाँ दरखास्त देना पड़ता है, वहाँ जाके दरखास्त दीजिए कि ये ज़मीन मेरा है, ये हम ऐसे हमको हासिल हुआ, इस पर मेरा कब्जा है, हम जोतावाद कर रहे हैं, ये लगान ज़मीन है सर्वे में, इसका लगान अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, इसका लगान निर्धारण कर दिया जाए। वो लगान निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया अपना देगा, अंचल अधिकारी अपने नहीं करेगा तो DCNR के यहाँ भेजता है, रिपोर्ट बना करके कर्मचारी देगा, कर्मचारी की रिपोर्ट बस CI फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद CO फॉरवर्ड करेगा, वो DCNR जाएगा, DCNR अगल बगल के ज़मीन का जो रेट होगा उसी के हिसाब से आपको निर्धारित कर देगा, और 1955 से अगर नहीं दिए हैं 56 से तो टोटल बकाया एक बार जोड़ करके आपको देना पड़ेगा। 12 आलोक कुमार अरवल 14/9/23 ये कुछ कागज़ भेजे मेरे पास जिसमें मुहर लगा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ 1972 अधिनियम धारा 1, समझ में नहीं आ रहा है। अब कोई ऐसा कागज़ है जिसमें मुहर लगा हुआ, पढ़ा हुआ जाता ही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इच्छुक है, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान की आवश्यकता है, तो जो कागज़ पढ़वाना है वो कागज़ लेके मेरे पास आइए, समय लेके आइए, और सामने सामने रूबरू बैठ करके समझिए, तो पूरा हम पढ़ा देंगे, और उसका फीस भी पूरा लेंगे, आपको पूरा समझ भी आ जाएगा, फिर वो ज़िंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा। अगर अभी हम जवाब दे देंगे तो तुरंत भूल जाएगा, 5 मिनट के बाद ही भूल जाएगा। मुफ्त की ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं होता है। सरकारी इंग्लिशदार गैर मजरूआ ज़मीन है, इसलिए दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। अभी प्रश्न है कि क्या है सरकारी इंग्लिशदार गैर मजरूआ, अलग चीज़ होता है, और सरकारी इंग्लिशदार अलग होता है। सरकारी इंग्लिशदार गैर मजरूआ ज़मीन है, यही प्रश्न आपका भेद है, आपको नहीं समझ में आता है प्रश्न करने पर। इसका इंग्लिशदार किसको कहते हैं, एक बार इस पर आपको बता चुके हैं, बहुत जगह मोहल्ला आप देखिएगा, अरवल में भी इंग्लिश है, आरा में भी इंग्लिश है, बढ़िया में भी इंग्लिश है, लखीसराय इंग्लिश है, मुंगेर इंग्लिश है, वो मोहल्ला इंग्लिश अंग्रेज लोग का बसाया हुआ मोहल्ला है। अंग्रेज लोग किसको बसाया था, पहले जब आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में सिपाही रैंक का ये सब जो रहता था, नीचे रैंक का आर्मी में हिंदुस्तानी लोग भर्ती होता था, ऊपर रैंक का अफसर लोग अंग्रेज रहता था, उन लोग को मुशहरा नहीं मिलता था, रुपया नहीं मिलता था, उन लोग को राशन मिलता था, खाने के लिए कपड़ा मिलता था, और रिटायर करता था तो उन लोग को ज़मीन जायदाद मिलता था, तो ज़मीन जायदाद खेती के लिए भी मिलता था, अंजर बंजर ज़मीन, पहाड़ी बालू बुर जंगल झाड़ वाला ज़मीन उसको दे दिया था, ताकि मिलिट्री का आदमी है, मेहनती है, चोर चिहार जहाँ पर ज़्यादा आता था, लूटपाट होता था जिस इलाका में, उसी इलाका में इन लोग को बसा दिया जाता था। ये लोग बेचारा मेहनत से मुफ्त में ज़मीन मिलता था, उसको मेहनत से साफ सुथरा करके खेती लायक बना करके चमन बना देता था, और मोहल्ला बस गया, इन लोग का बस्ती बस गया, तो इसलिए उन लोग अंग्रेजी में भी बातचीत करता था, मिलिट्री में तो अंग्रेजी में बोलता ही था, तो इसलिए उन लोग को मोहल्ला को नाम जोड़ करके इंग्लिश जोड़ दिया जाता था। इसीलिए तो जो अंग्रेज ने दिया, उस समय शासक अंग्रेज था, हम लोग गुलाम थे, देश गुलाम था, तो अंग्रेज शासक ने जो ज़मीन दिया उसको उसको सरकारी ज़मीन हुआ, सरकारी ज़मीन दिया, जो भी ज़मीन था सरकार का था, तो सरकार ने दिया तो उसको सरकारी बोल दिए। इंग्लिशदार मतलब जो सरकार के अंदर में अंग्रेज के अंतर्गत जो मुलाजिम था
उसको दिया जोतने के लिए, तो वो खेती बाड़ी करने लगा, तो उसको जमीन सरकारी इंग्लिशदार कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको बिना आबादी वाला जमीन दे दिया बसने के लिए, तब हो सकता है सरकारी इंग्लिशदार गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ माने बता दिए जिसमें खेती नहीं होती, इसलिए दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ये कोई कारण नहीं है कि इसलिए नहीं हो रहा है। आज मान लिए कि 50 साल पहले किसी को मिला है, तो उसका बेटा पोता उसको दाखिल खारिज क्यों नहीं होगा, ये समझिए, दाखिल खारिज क्यों नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा, बल्कि उसका लगान नहीं लगा है पहले उसको बिना लगान के दिया गया था। अंग्रेज दोनों तरह से देता था, बिना लगान के देता था, किसी किसी को लगान भी लगाता था, तो उसका जिसका लगान लगता ही नहीं था, दाखिल खारिज कैसे होगा। दाखिल खारिज लगान के लिए ना होता है, दाखिल खारिज का माने क्या हुआ, वो लगान एक आदमी दे रहा है, वो मर गया तो उसके जगह पर दूसरा कोई देगा, वो बेच दिया तो दूसरा कोई देगा, दान कर दिया तो दूसरा कोई देगा, और जहाँ भी दाखिल खारिज के बात आ रहा है, इसका माने उसका सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है। रेवेन्यू रिकॉर्ड का माने जिसमें कि लगान की चर्चा है, उन रिकॉर्ड को बोलते हैं जमाबंदी, उसी को बोलते हैं रजिस्टर टू, उसी को बोलते हैं लगी। इस पर बहुत बार लेक्चर में बता चुके हैं, आप लोग सुने होंगे चाहे नहीं सुने होंगे, अब नहीं कह सकते हैं, अगर सुने होंगे तो नहीं समझे होंगे, अगर समझे होंगे तो याद नहीं होगा, उसी लिए आप बार बार ये सब प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए दाखिल खारिज इसका नहीं होगा, आपको लगान निर्धारण करना पड़ेगा। और आगे लिखते हैं, बकास्त इंग्लिशदार और बकास्त मुकर्रीदार खतियान में अंकित होता है, दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं। मुकर्रर कमाने बता चुके हैं, वही जमींदारे हो गया, मुकर्री माने पट्टा लेने वाला, लीज लेने वाला, मुकर्रीदार हो गया, वो जमींदार ने उसको पट्टा कर दिया तो वही जमींदारे हो गया। मूल जवाबंदी 140, खानदानी बंटवारा जवाबंदी है, विक्रेता का जवाबंदी 168, अब खरीदने वाला जवाबंदी कर नहीं हो रहा है, प्लीज रिप्लाई। अभी दो गो जवाबंदी के बारे में 3 गो नंबर दिए थे, एक जमाबंदी है और जमाबंदी का बंटवारा हो गया है, तो बंटवारा के आधार पर नया जमाबंदी कायम हो सकता है, आप दीजिए उनके यहाँ जमाबंदी नया कायम करने के लिए सीओ के आवेदन दीजिए। बकास्त इंग्लिशदार जमीन सरकारी जमीन नहीं होता है, सरकारी जमीन कब होगा, बकास्त जमीन इंग्लिशदार अगर उस पर सरकार के किसी विभाग का कब्जा है तो सरकारी हो गया, अगर उस पर रैयत का कब्जा चला रहा है तो सरकारी नहीं। तेरहवा प्रश्न है, रवि सिसाने महाराष्ट्र 8/9/2023, इन्होंने बहुत सारा ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेजा है मेरे पास, इनका मुकदमा वगैरह चल रहा है प्रोवेट से संबंधित, तो खैर इनका तो हम व्हाट्सएप पर इनसे बात हो चुकी है और फोन से भी बात हो चुकी है, इनका हम जवाब ही बना रहे हैं, ओपिनियन इनको हम दे चुके हैं, इनको सब दे दिया है हमने, तो इनको अभी YouTube पर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं, ये डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट में है, ये बहुत दूर से महाराष्ट्र से सांगली से बात करते हैं और वहीं से प्रश्न भी भेजे हैं, कुरियर से डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं, टाइप कॉपी वहाँ सब मराठी में इनका डॉक्यूमेंट था, टाइटल शूट भी चल रहा है, प्रोवेट भी चल रहा है, रिवोकेशन भी चल रहा है, सारा डॉक्यूमेंट का इन्होंने कुरियर से हमको भेजा है, तो इनका काम हो रहा है, इसलिए YouTube पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं। 14वां प्रश्न है, सानू सिंह देवघर, इनका है 11/9/2023 का, जमींदार के द्वारा दर्ज किया गया कंपनसेशन केस की जानकारी कहाँ मिलेगी, हमारा जमीन लक्ष्मीपुर स्टेट के अंतर्गत आता है। देखिए इस पर भी बीती एक्ट के लेक्चर में जब वेस्टिंग ऑफ जमींदारी है, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी का लेक्चर हम दिए हैं, आप लोग सुनते ही नहीं है, खोजते ही नहीं है, कोशिश नहीं करते, अगर आपको नहीं जानकारी है कैसे खोजा जाए तो आप किसी जानकार व्यक्ति को पकड़िए और खोजिए, बार बार एक ही चीज़ पर हमसे प्रश्न कीजिएगा तो आगे आपको मायूसी होगी, आपका प्रश्न का प्रॉम्प्ट उत्तर नहीं मिलेगा, पड़ा रहेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा, या ऐसे कतर खाता में पड़ा रहेगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा प्रश्न करने में। कंपनसेशन केस आपको बता चुके हैं कि जब जमींदारी गया तो जमींदार को रिटर्न जमाबंदी देने का नियम था, और जमाबंदी रिटर्न जमा होता था, वो जैसी जमा करता था उसी के आधार पर उसको क्षतिपूर्ति होता था, यानी कंपनसेशन केस उसी के आधार पर दर्ज होता था, तो वहाँ पर ब्लॉक में अंचल कार्यालय में वो केस नंबर दर्ज होता था,
वहाँ पर होता है कंपनसेशन क्लर्क। आज के तारीख में 70 साल हो गया, अब है क्लर्क की नहीं वो तो स्थानीय जगह पर जाके पता लगाइए। अगर वहाँ नहीं होगा तो DCLR के यहाँ होगा, DCLR के नहीं होगा तो कलेक्टर के यहाँ होगा। जिला में कहीं न कहीं एक जगह कंपनसेशन क्लर्क होगा जिसके पास कंपनसेशन केस रजिस्टर रहता है। अगर वहाँ कहीं नहीं मिला तो आप कलेक्टर के कलेक्ट्री में रिकॉर्ड रूम जो रहता है वहाँ जा कर के आप चिरकुट दीजिएगा कि जमींदार का नाम देके मौजा और तौजी नंबर के रिटर्न जमाबंदी का जिस कंपनसेशन केस में दाखिल किया गया उस कंपनसेशन केस का नकल दिया जाए, वहाँ से आपको मिलेगा। 15वां प्रश्न है आदित्य सिंह जमुई, इनका प्रश्न है 28/8/2023। इनका प्रश्न है बहुत डिटेल में, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी परदादी के नाम से केवाला है 1944 का, जिससे बकास खुदकास सब मिलकर 82 एकड़ है, जिसके खेवट में 1 लिखा हुआ है, रसीद 57/58 से कट रहा है, मेरे दादी के नाम से 13 एकड़ खाता 1 का जो कि बकास है, उसी खाता में एक आदमी जमाबंदी लगा लिया है और जमीन बेच रहा है। जब हम CO के पास आवेदन दिए तो वो आदमी हुक्मनामा दिखाता है, CO कहते हैं कि बकास भूमि में कुछ नहीं कर सकते, आप ऊपर जाइए। हम हमारे जिला के वकील साहब से मिले तो वो बोले कि जमाबंदी कैंसिल के लिए AGM के पास आवेदन दे कि जमाबंदी की किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश से नहीं लाया गया और दोनों का जमाबंदी का बजाबता नकल निकाल लो। जब हम नकल निकाले तो उसका और मेरा दोनों का 72/73 से Part 2 में दिख रहा है, जबकि मेरे पास 57/58 का रसीद है। जब हम बोले तो अंचल में बोला गया कि आपका पुराना Part 2 में होगा, मगर अंचल में पुराना Part 2 नहीं है, मेरे पास खेवट और खतियान भी नहीं है, सभी जगह ढूंढने से भी नहीं मिला है, मुझे क्या करना चाहिए। CO कहते हैं कि आपको रेकी करना होगा, हम बहुत परेशान हैं, कितना मार्गदर्शन करें सर, वीडियो बनाइए। ये बहुत आसान है, आप बहुत परेशान हैं और सर वीडियो बनाए, वीडियो बनाना तो ऐसा है कि आप बोले हम बटन दबाए ऑटोमेटिक हो जाएगा, वीडियो बनाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग अभी मेरा आवाज़ सुन रहे होंगे, पहले ऐसा आवाज़ नहीं क्लियर नहीं, सर्दी खांसी से हम 8 दिन से परेशान थे, आज भी आवाज़ मेरा भरना जाता है, बीच बीच में खांसी हो जाती है। हर चीज़ का वीडियो नहीं बना जाएगा, कोई फरमाइशी वीडियो नहीं बनेगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आप जो वकील रखे हैं वकील साहब जो कहें उसके हिसाब से आप केस फाइल किए हैं DM के यहाँ, आप केस फाइल ही नहीं किए तो क्या हुआ? आपको बिना कोर्ट गए चप्पल जूता घिसे काला कोर्ट के यहाँ गए हुए और नोट लिए हुए आपका काम नहीं होगा, जान लीजिए गिरा मान लीजिए, आप जितना होशियारी दिखा रहे हैं आपका कोई काम नहीं होगा, आपको काला कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। काला कोर्ट यानी कि वकील और अंत में जज साहब ही काला ही कोर्ट पहनते हैं, वहीं से आपको न्याय मिलेगा, चाहे सिविल कोर्ट से मिले या हाई कोर्ट से मिले। अगर वहाँ का वकील आपका संतुष्ट नहीं कर रहा है तो फिर मेरे पास आइएगा, आपको तो जमुई के रहने वाले हैं, जमुई के बहुत सारे वकील हाई कोर्ट में मेरे साथ ही, एगो जूनियर है वकील सत्यम शिवम सुंदरम को जानते हैं जमुई के, मेरे साथ ही बैठते हैं, उनसे भी मिल सकते हैं। और भी कोई वकील हो जमुई के, एक और आते हैं प्रकाश महतो जमुई के, एक अच्छा वकील है, उनसे भी मिल सकते हैं, बहुत सारे वकील हैं जो जमुई के आते हैं। और जमुई में सबसे सीनियर वकील हैं उपाध्याय जी सिविल के, वो भी मेरे साथ जूनियर में काम कर चुके हैं, वो 70 साल के आदमी हैं, जमुई के सीनियर वकील हैं उपाध्याय जी, रहने वाले वो जहानाबाद के हैं लेकिन उनके पिताजी वहाँ नौकरी करते थे, इसलिए अब वही बस गए। आप उनसे जा कर के मिलिए, कागजात दिखाइए, देखिए वो सही राय देते कि नहीं, आप टाइटल मुकदमा कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा। ADM के यहाँ किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो भी आप सीधे टाइटल मुकदमा कर दिए, अगर वो नहीं होता है तो आप मेरे पास आइए, हाई कोर्ट से सारा ऑर्डर आपका करवा देंगे, आपको चिंता करने की बात है। लेकिन आप चाहिए कि मुफ्त में वीडियो में पूछने प्रश्न उसका जवाब दे देगा, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा प्रश्न, उसका आपका निदान हो जाएगा, प्रश्न का जवाब मिल सकता है लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है उससे निदान नहीं मिल सकता, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, प्रश्न का उत्तर सिर्फ मिल सकता है, वो सफिशियंट नहीं है। अगर आप उत्तर से ही खुश हैं तो आपको मैंने उत्तर दे दिया, इससे ज़्यादा बढ़िया और बड़ा उत्तर आपको कोई नहीं दे सकता। इसके बाद 16वां प्रश्न है रजनीश कुमार जमुई का, ये प्रश्न किए हैं, इन्होंने पूछा है कुछ जमीन का पेपर दिखाना चाहते हैं, ये पेपर दिखाना चाहते हैं, ये ठीक बात है, तो पेपर पर बात है तो पेपर दिखाना चाहते हैं, आप जब भी चाहिए हमसे समय लेकर फ़ोन पर और पेपर आकर दिखा सकते हैं। इतना प्रश्न जो था मैंने पढ़ा सो व्हाट्सएप का प्रश्न था, व्हाट्सएप का सभी प्रश्न आज तक का प्रश्न सब समाप्त हो गया, अब कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा, अब YouTube वाला प्रश्न ले रहे हैं। YouTube पर प्रश्न है, पहला प्रश्न है ललन रजक, कहाँ से है और किस तारीख का ही पता नहीं,
इनका प्रश्न है, बकास संबंधी सरकार से दिशा निर्देश सभी प्रतिनिधि की जरूरत है, उनके लिए क्या करें। ये बहुत से लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये जहाँ भी ये सर्वे चल रहा है वहाँ पर जो भी कर्मचारी या पदाधिकारी रहता है उसके यहाँ पता है, उसके पास रहता है, उसका अंग्रेजी में बोलते हैं मार्वल, हिंदी में बोलते हैं मार्वल, ये 4-5-6 पन्ने का उस संकलन है जो कि सर्वे के काम करने वाले कर्मचारी को दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है, कैसे जमीन का खाता किसके नाम से कैसे खुलेगा उसके लिए। तो हमसे लोग मांगते हैं, कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं है, हम भी किसी से मांग के लाएंगे, बाजार में बिकता नहीं है। आप आइएगा पटना में सचिवालय के में बहुत सा झोपड़ी वाला किताब के दुकान है या गुमटी का दुकान है, वो लोग इस तरह का सर्कुलर वाला किताब रखता है, वहाँ आके खोजिए तो मिलेगा, जो सर्वे उर्वे वाला किताब बेचता है वहाँ मिलेगा, या जिला स्तर पर जहाँ सर्वे का काम चल रहा है वहाँ पर कोई कार्रवाई कार्यालय होगा तो वहाँ मिल सकता है। अगर वहाँ नहीं आपको मिला है, आप रहने वाले कहाँ के इन्हीं ने आप लिखे हैं तो हम नहीं कर सकते लंदन, तो आप वहाँ सर्वे जहाँ हो रहा है अगल बगल के जिला ये सब ले वहाँ जाके पता कीजिए, वहाँ मिल जाएगा। आप कोई कर्मचारी से मिलिए, वहाँ के सर्वे के कर्मचारी से या पदाधिकारी से मिल जाएगा, और जो पटना सचिवालय आकर के खोजिए मिल जाएगा। अगर वही नहीं तो आप किसी कैफे वाले को पकड़िए जो ये सब जो यूट्यूब वगैरह पर खोलता उलता है, इंटरनेट से प्रिंट निकालता है, ऐसा लोग जानकार लोग को, या जो दुकानदार लोग हैं बहुत सारे हर जिला में कचहरी के पास रहता है, उनको किसी को पकड़िए कहिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सर्वे डिपार्टमेंट का डायरेक्टर ऑफ सर्वे का वेबसाइट खोलिए, या वेबसाइट खोल के मार्वल निकालिए, अब मार्वल बोलिएगा तो वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से अपने प्रिंट निकाल लीजिएगा, 10-20 रुपया लेगा आपको, वो प्रिंट निकाल के दे देंगे। अब ये प्रश्न जो इसका जो जवाब बहुत लोग 200 आदमी हमको पूछे हैं, कई बार बता चुके हैं, ये मेरा अंतिम है, अब इस पर कोई भी प्रश्न पूछेंगे कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा हमको उपलब्ध कराए इसका हम जवाब नहीं देंगे। अब दूसरा प्रश्न है मोहम्मद सकलैन हैदर का, ये भी कहाँ से लिखते हैं ये पता नहीं, कहते हैं 14D बनाने के कितना साल बाद केस करना होगा। अब ये सब प्रश्न भेज गए, 14D बनावेंगे क्या, 14D बनाने के बाद कितना साल बाद केस करना होगा, क्या जरूरत है इनका, यह प्रश्न अधूरा है और भेद है, इसलिए इसका कोई सही जवाब नहीं दे सकते। मोहन सिंह, ये कहाँ से भेजे हैं, अब कब भेजे ये भी पता नहीं, यूट्यूब पर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेंसी रही है तो नॉन ऑक्यूपेंसी रही है, ये भी जवाब आपको नहीं देंगे। आप बीटी एक्ट में मेरा लेक्चर सुनिए, पहला या दूसरा लेक्चर है बीटी एक्ट का, उसी में क्लासिफिकेशन ऑफ रैयत के बारे में बता चुके हैं, आपको नहीं देंगे, जो ऑलरेडी लेक्चर है उसको आप खोजिए, बार बार प्रश्न मत कीजिए। उसके बाद एक लिखते हैं मनोज मस्ती बिच मनोज 6715, इनका कोई प्रश्न नहीं है, ये ऐसा अपना पहचान भी लिखे है मस्ती बिच मनोज, ये मस्ती के लिए लगता है यूट्यूब पर प्रश्न करते हैं। सर आप कहाँ से हैं, हम पटना से हैं, पटना से बोल रहे हैं, पटना में ही रहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है रोशन कुमार, रोशन कुमार का प्रश्न है बीटी एक्ट नगर क्षेत्र में लागू होता है या नहीं, हर क्षेत्र में लागू होता है, अगर उसका कोई दूसरा कानून बन गया म्यूनिसिपल एक्ट के अंतर्गत इसमें कि इस कानून को रोक लगा दिया गया, अगर कहीं पर लागू होता है कोई कानून तो जब तक लागू होता रहेगा जब तक वो कानून जिंदा है, अन्यथा उसको रोक लगाने के लिए कोई दूसरा कानून बनाया जाए या उसी में संशोधन किया जाए, इसलिए कानून सब जगह लागू है। म्यूनिसिपल एक्ट जहाँ लागू है तब क्वेश्चन ही होता है कि दोनों में, अगर दोनों में एक दूसरे का विरोधी प्रावधान है तो कौन लागू होगा, जैसे बीटी एक्ट में जो लिखा हुआ है एक ही बात का प्रावधान है और म्यूनिसिपल एक्ट में उसके विपरीत प्रावधान है, तो जो विपरीत प्रावधान है वो लागू हो जाएगा, बीटी एक्ट नहीं लागू होगा, इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि बीटी एक्ट लागू नहीं होता, लागू सब जगह है, मान्यता किसकी मिलेगी ये सवाल है, दोनों लागू है और दोनों जब लागू है तो उसको कौन नीचे और कौन ऊपर, किसका अपर हैंड हो जाएगा, अपर हैंड हो जाएगा लोकल लॉ का। परमानंद प्रकाश, परमानंद प्रकाश कहाँ से भेजे हैं कभी ही, इनका प्रश्न देखिए इस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए, खिस्ता पेपर क्या होता है, बहुत शॉर्ट में सिंपल है, इस पर भी बता चुके हैं परमानंद जी, आप भी खोजिएगा
इस पर हम बता चुके हैं, खिस्ता का माने हुआ अनरजिस्टर्ड, वैसा डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है, पहिया पेपर पर लिखा हुआ है जिसको डेमी पेपर कहते हैं, या सादा कागज पर लिखा हुआ है फुल स्केल पेपर पर, या ए फोर साइज कंप्यूटर वाला पेपर पर कोई चीज़ लिखा हुआ है दस्तावेज या डीड, तो उसको खिस्ता कहते हैं, या स्टैम्प पर लिखा हुआ जो प्रिंटेड स्टैम्प या एडहेसिव स्टैम्प लगा हुआ रहता है, वो सब स्टैम्प पेपर पर कोई डीड बना हुआ है तो उसको खिस्ता कहते हैं। अगर रजिस्ट्री होता तो रजिस्टर्ड डीड कहते हैं, उसको खिस्ता डीड बोलते हैं। सीधा उसका माने है खिस्ता पेपर का माने अनरजिस्टर्ड पेपर। अब लीगल नॉलेज क्वेश्चन, लीगल नॉलेज करके ही वो लोग एक और सवाल जो क्या है, लीगल नॉलेज का हेड दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न करने का तरीका ठीक है, इससे हम खुश हैं परमानंद जी, ऐसे ही सब लोगों को करना चाहिए। लीगल नॉलेज के शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन किए हैं, तौजीह नंबर क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे खाता नंबर रैयत का होता है वैसे ही तौजीह नंबर जमींदार का होता है। उसके बाद प्रश्न है, एक ही नंबर का खाता खेसरा अलग अलग हो सकता है, यही प्रश्न बहुत अच्छा है। एक तौजीह के अंदर एक ही नंबर का एक ही खाता होगा या एक ही खसरा होगा, डिप्टीशन नहीं हो सकता। मान लीजिए कि तौजीह नंबर 11908 है, उसके अंदर खाता एक है, दो है, तीन है, चार है, तो एक ही खाता रहेगा, सेम खाता दूसरा नहीं होगा। अगर प्लॉट है 10, 15, 20, 25 तो सेम नंबर वही है, दूसरा प्लॉट का वो नंबर नहीं होगा, फिर 25 के बाद 26, 27, 28 हो सकता है, हज़ार जितना भी जाएगा, लेकिन डबल नहीं होता है। उसके बाद है विकास कुमार का प्रश्न, ये कहाँ से किए हैं ये तो नहीं बताए हैं और डेट भी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है जरूरी केस में राय लेना है, तो राय लेना है तो यूट्यूब पर खाली पूछ लेने से राय लेना है नहीं है, यूट्यूब पर मेरा एड्रेस है, अगर आपको अगर समय नहीं है डायरेक्ट हाईकोर्ट में आके मिल सकते हैं, वहाँ पर अगर संभव मिलेगा तो हाईकोर्ट में भी राय दे सकते हैं, छोटा मोटा 10-20 मिनट का अगर कोई हो बीच में, जब टिफिन का समय रहता है, लंच का समय रहता है, उस समय आप हम जहाँ पर बैठते हैं अपना चैम्बर में वहाँ पर आपको बता सकते हैं, वहाँ भी आ सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो घर पर आइए, मेरा ऑफिस का चैम्बर जो है घर का, उसका यूट्यूब पर एड्रेस दिया हुआ है, उसमें आप 303 पावर टावर बेली रोड में आकर के मिल सकते हैं हमसे, आसियाना मोड़ के पास या पासपोर्ट ऑफिस के पास आके मिल सकते हैं, पिलर नंबर 25 के पास। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर लैंडलाइन नंबर भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ोन नहीं लग रहा है, तो लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ है और दो नंबर उसमें दिया हुआ है, एक नंबर है आपका BSNL का और एक है जियो का, तो तीन तीन नंबर है, किसी भी आप नंबर लगाइएगा तो लग जाएगा, आप नंबर से समझ ले लीजिए, नंबर से बात कर लीजिए और जिस केस का राय ले रहा है आइए आप राय दे दीजिए। उसका आठवां प्रश्न है जफर आलम का, सर आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है, मुझे आपसे बात करना है। अभी देखिए ईसा जैसा बताया ऐसा कई बार, जफर आलम साहब मेरा फ़ोन नंबर यूट्यूब पर उपलब्ध है और कम से कम लेक्चर में हम 50 बार ज़रूर बताएंगे, लिखिए आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, 9431078617 9431078617 इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, ये नंबर हमेशा खुला रहता है, आपको बात हो जाएगी, यूट्यूब पर जाके खोजिएगा तो भी आपको मिलेगा, और इसी 94 पर व्हाट्सएप नंबर भी है, जियो वाला पर व्हाट्सएप नहीं है, ये BSNL का नंबर है, इसी पर व्हाट्सएप भी, और इसी नंबर से मेरा बैंक अकाउंट भी कनेक्टेड है 9431 से, अगर किसी को पेमेंट करना होगा तो इसी अकाउंट से फ़ोन पे से कर सकते हैं। उसका नौवा है रंजीत कुमार दरभंगा, डेट इन्होंने नहीं दिया है, क्या करते हैं इन्होंने नहीं बताया है। इनका प्रश्न है, सर CS खतियान के नाम से बना गया ए ने बी को 1915 में रजिस्ट्री कर दिया, बी जमींदार था और बी का कब्जा भी वर्तमान तक है, लेकिन RS खतियान सी के नाम से बन गया, जबकि सी का न तो कब्जा है और न घर बना है, लेकिन RS खतियान में मकान में शहर लिखा है, जबकि उस जमीन में CS खतियान में भी था और 1950 में एक बार 2020 तक आम का पेड़ था, सी के नाम से जो RS खतियान बना
उसका नाम आधार कार्ड और पहचान पत्र में अलग है, लेकिन पिता का नाम सेम है। 2021 में जमींदार ने उस जमीन को डी को रजिस्ट्री कर दिया। वर्तमान में डी का कब्जा है और खेती किया जा रहा है, लेकिन रसीद नहीं कट रहा था। जमींदार के नाम से जमाबंदी कायम नहीं होने के कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया। डी का लगान निर्धारण के लिए दिया गया तो कर्मचारी बोलता है कि पहले आर एस खतियान में जिसका नाम है उस पर सिविल कोर्ट में केस करें, डिग्री लाएं, तभी लगान निर्धारण किया जाएगा। इसलिए यदि केस किया जाता है तो सी के नाम से, जबकि सी का नाम आधार कार्ड और पहचान पत्र अलग है, लेकिन फादर का नाम सेम है, तो नोटिस किसको रिसीव होगा? यदि नोटिस पर नहीं आएगा तो क्या कोर्ट एक पक्षीय सुनवाई करके फैसला दे सकता है कि वारिसदार के पक्ष में सर आपका जवाब का इंतजार रहेगा? वीडियो से जवाब दे दीजिए। आपका जैसा प्रश्न है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आप आदमी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत समझदार लगते हैं, तो उसका भी जवाब उसी तरह से देते हैं। एक आदमी गया कि ज्योतिषी के पास, उसने अपना हाथ दिखाया और कहा कि ज्योतिषी जी मेरा हाथ देख करके मेरा भविष्य बता सकते हैं आप, या कुंडली लाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा भाई हाथ से दिख बता दे, जितना जानते हैं हम बता देते हैं। तो नहीं, कुंडली वाला सुनते हैं कि ज़्यादा पक्का होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कुंडली रहेगा तो ठीक है। तो कुंडली देखने के बाद सही होता है, तो हाथ और कुंडली का मिलाने के बाद ज़्यादा सही होगा। तो उन्होंने कुंडली भी दिया, दिखाया, तो पहला उनके मन में प्रश्न था कि हमारा शादी होगा कि नहीं होगा, शादी होगा कि नहीं होगा और कब तक होगा, तो शादी होगा कब तक होगा, ये तो प्रश्न का जवाब पंडित जी जितना जानते थे कुछ देर गुना भाग करके बता दिए। तो बोले फिर दूसरा प्रश्न किया कि शादी होने के बाद बच्चा होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना दिन के बाद बच्चा होगा? तो पंडित जी का दिमाग चकराया था, आधा घंटा गुना भाग किए तो कुछ जवाब दिए। उसके बाद फिर प्रश्न किया कि अगर बच्चा हो गया तो बेटा होगा कि बेटी होगा ये बताइए, तो फिर पंडित जी का जवाब चकराया दिमाग। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद कुछ अपना उसी तरह से कोशिश किए उनको शांत करने का, जवाब देने का, कुछ अपना गुना भाग किए, जोड़ घटाव किए, कुछ उत्तर भी उसी तरह का उन्होंने दिया। तो उसके बाद कहा कि भाई अगर ठीक है बेटा ही होगा तो बेटा बचेगा कि उसको कोई बीमारी या कोई खतरा या कोई ग्रह गोचर है उसको रहेगा? फिर उसका भी जवाब उन्होंने ढूंढा, कहा कि अगर इस नक्षत्र में होगा तो ऐसा होगा, उस नक्षत्र में होगा तो ऐसा होगा, इसको ऐसा मार के आएगा, इसका ये दशा रहेगा तो ये होगा, बहुत प्रश्न पूछा। उसके बाद फिर उसने पूछा कि अगर अगर वो लड़का बच गया तो वो लड़का बच गया तो उसका फिर विवाह कब होगा, अब विवाह होगा कि नहीं होगा? फिर उसका भी जवाब दिया तो कहा कि अगर उसका विवाह होगा तो उसको बाल बच्चा होगा कि नहीं होगा? फिर उसका बता दिया तो उन्होंने कहा कि उसका बाल बच्चा का विवाह होगा तो उसको भी बाल बच्चा होगा कि नहीं होगा? यही प्रश्न का आपका सिलसिला है। ये सबका उदाहरण आप उसी को कह रहे हैं, ये सब का कोई जवाब सटीक कोई वकील नहीं दे सकता है। ये सब कागज पढ़ना पड़ेगा, जितना कागज आप लाए हैं, और ये सब बिना टाइटल सूट किए वो ठीक कहा है। जब तक आर एस खतियान में एंट्री उसका है, दूसरे का न लगान निर्धारण होगा न दूसरे का म्यूटेशन होगा। और आपको एक बार और बता भी चुके हैं दूसरे लेक्चर में, शायद आपको भी हम इस प्रश्न का जवाब पहले भी दे चुके हैं, हमको जहाँ तक याद पड़ता है, और शॉर्ट में बताए थे और कहे थे कि एक बार जब सी एस खतियान बना तो उस समय, जिस समय सी एस खतियान बना उस समय वो एंट्री सही था, यानी कि जिसका नाम लिखा हुआ था वही आदमी उस पर कब्जा में था, वो सही था। लेकिन सी एस खतियान जो है हकीकत या टाइटल का कोई कब्जा का कागज नहीं है। पजेशन की मान्यता है कि उस समय जिस समय रिकॉर्ड हुआ नाम, जिस समय खतियान की प्रक्रिया चली उस समय उसका कब्जा था, लेकिन कानूनी मान्यता के अनुसार बीटी एक्ट के लेक्चर में भी बताएं 103B बीटी एक्ट के हिसाब से मानता है कि उसका पजेशन उस समय से आज तक लगातार चलते ही आ रहा है, वो प्रिजम्पशन है, कानूनी मान्यता के आधार पर कोर्ट उसको मानता है। लेकिन अगर बाद में वहाँ चकबंदी चल गया और चकबंदी का खतियान बन गया अलग, तो खत्म हो गया, उसका वैल्यू खत्म हो गया। उसी तरह से अगर आर एस खतियान बन गया तो आर एस खतियान सबसे आखिरी खतियान है, तो इसका वैल्यू रहेगा और उसका वैल्यू खत्म हो गया। तो सी एस खतियान के आधार पर जो आदमी खरीदा या उसका जो वारिस है जो बेचा, वो सबका टाइटल खत्म होते गया। लेकिन अगर वो आदमी के पास कंटिन्यूस पोजीशन है और कोर्ट में केस करके प्रमाणित कर देता है कि हमारा पोजीशन है, दूसरे कानून से फिर उसका टाइटल हो सकता है। ये आपका कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, जब तक सिविल कोर्ट में इसका प्रॉपर सूट नहीं फाइल करेगा
और डिक्लेरेटरी डिग्री नहीं लेगा खतियान के बारे में और टाइटल डिक्लेयर के बारे में, और डायरेक्शन सीओ को करवाएगा तभी लगान निर्धारण होगा या म्यूटेशन होगा। बिना सिविल कोर्ट के सर महंगे हुआ का कोई काम नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कोई ऑर्डर रेवेन्यू कोर्ट से दिया है जो आपके खिलाफ है, कोई डीसीएलआर ने या अंचल अधिकारी ने या कलेक्टर ने कोई ऑर्डर किया है, तो उस ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लिया है अभी तक, तो आपको सीधे सिविल कोर्ट में ही चले जाना चाहिए। और उस ठीक उसने कहा है, आपको राय दिया है कि सिविल कोर्ट में केस करके डिग्री लाइए। एक साधे सब सधे कहावत है, सिविल कोर्ट को बहुत पावर है। सिविल कोर्ट में जो ऑर्डर्स हो जाएगा वो आपको आसान भी है, आपके सुविधा है, वहाँ पर आपके बगल में सिविल कोर्ट है, स्थानीय वकील आपके परिचित हैं, जानकार हैं, आप मिलना आसान है, उनका फीस भी वहाँ कम रहता है, कम खर्चा भी लगता है, आप आसानी से अपना केस लड़ के वहाँ से जीत सकते हैं। उसका 10वां प्रश्न है यूट्यूब पर कपिल देव ओझा का, 4 दिन पहले इनका प्रश्न आया था। इनका प्रश्न है, ठीक है, कानून से संबंधित है लेकिन बहुत सटीक प्रश्न है, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। इस तरह के प्रश्न को हम आमंत्रित करते हैं कि जानकारी चाहते हैं, सटीक जानकारी उसके बारे में शॉर्टकट में अगर पूछ रहे हैं तो बता देंगे। इनका प्रश्न है कि इंजेक्शन ऑर्डर का कोई टाइम लिमिट है क्या, लिमिट लाइन है, अनंत सालों तक मंदा होगा या डेफिनेट टाइम तक। हालांकि बाद में इन्होंने कुछ वेगनेस कर दिया। हम समझते हैं जहाँ तक इनका प्रश्न है कि इंजंक्शन ऑर्डर जो कोर्ट करता है उसका कोई टाइम लिमिट है कि नहीं, या अनंत साल तक चलते रहेगा। अब इसका जवाब सुनिए, इंजंक्शन दो तरह का होता है। एक इंजंक्शन होता है टेम्पररी इंजंक्शन, इसको बोलते हैं अस्थाई निषेधाज्ञा, एक और उसका हिंदी है, एक और हिंदी है उसको, हिंदी क्या उर्दू कहीं इम्तनाई बोलते हैं, इंजंक्शन को इम्तनाई बोलते हैं उर्दू, और एक हिंदी है शुद्ध हिंदी बेआदेश बोलते हैं और या निषेधाज्ञा बोलते हैं। तो दो हिंदी हो गया बेआदेश और निषेधाज्ञा, उर्दू हो गया इम्तनाई, अंग्रेजी हो गया इंजंक्शन। टेम्पररी माने अस्थाई, जो अस्थाई नहीं, तो टेम्पररी में टाइम लिमिट रहता है, आप 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, या इंजंक्शन पिटीशन के सुनवाई तक, या मुकदमा के अंतिम निर्णय तक, ऐसा टाइम लिमिट कोई ना कोई टाइम लिमिट दिया रहेगा। तो उसको इंटरलॉकुटरी भी बोलते हैं, मुकदमा के दौरान जो रहता है वो आंतरिक निषेधाज्ञा, इंटरलॉकुटरी ऑर्डर हो गया, अंतरिम आदेश भी उसको बोलते हैं, केस के अंतर्गत जो मिलते हैं अंतरिम आदेश, इंटरलॉकुटरी ऑर्डर, वो भी हो सकता है। और जो अनंत काल के लिए होता है उसको बोलते हैं परमानेंट इंजंक्शन, परपिचुअल उसका दूसरा वर्ड है, परपिचुअल इंजंक्शन, सदा सर्वदा के लिए रहता है, हमेशा के लिए, परमानेंटली। आपका जवाब हो गया। दामोदर कुमार का प्रश्न है, 11वां प्रश्न, 4 दिन पहले आया है। हाँ देखिए, इन्होंने प्रार्थना किया है मेरे स्वास्थ्य के लिए, बहुत गुड गेस्चर इन्होंने शो किया है, तहे दिल से स्वागत और मेरा भी शुभकामना आपके प्रति है। दामोदर कुमार जी, आपने लिखा है मेरे वास्ते, सर प्रे टू गॉड यू गेट हेल्दी बॉडी एंड माइंड, आपको भी हो, मेरी ओर शुभकामना है आपके, मेरी ओर से आपके लिए। बहुत अच्छा आपने अपना गुड गेस्चर शो किया है। उसके बाद 12वां है, आर के चौधरी एक एडवोकेट है, 4 दिन पहले का, कहाँ से ही नहीं लिखे हैं, लेकिन इन्होंने उसी तरह का गुड गेस्चर शो किया, इनको पता चल गया होगा मेरे स्वास्थ्य के बारे में कुछ। तो इन्होंने लिखा है, सर मे गॉड कीप यू इन पिंक हेल्थ सो दैट द इनक्विजिट लीगल लर्नर्स इन सीरियल एंड एडवोकेट पार्टिकुलर कुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर एक्सपर्टाइज। मेरा टाइपिस्ट कुछ स्पेलिंग भी कर दिया है टाइप करने में गलती, प्रश्न जो लिखा हुआ था, लेकिन हम माने अंदाज से समझ के आपको बता रहे हैं। इनका भी बहुत गुड गेस्चर है मेरे प्रति, जो इन्होंने सद्भावना व्यक्त किया है, इसलिए चौधरी जी आपको मेरी ओर से शुभकामना है और मेरा शुभ आशीर्वाद भी है। आप भी स्वस्थ रहें, आप पर भी ईश्वर की कृपा बरसती रहे। सुरेश प्रसाद शर्मा, उसी तरह सा उद्गार इन्होंने व्यक्त किया है, क्या करते हैं वो तो नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है अंग्रेजी में, प्रे टू गॉड फॉर योर हेल्थ, योर लेक्चर इज वेरी ब्रीफ ऑल्दो इंटरेस्टिंग, प्लीज गिव सम मोर लेक्चर ऑन टॉपिक। इनका एक रिक्वेस्ट है कि और भी लेक्चर दें, और भगवान से इन्होंने प्रार्थना किया है, मेरे स्वस्थ रहने की कामना किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी भी शुभकामना आपके साथ है, आपको भी स्वस्थ रखे, खुश रखे, संपन्न रखे।
उसके बाद 14वां प्रश्न है रवि रंजन कुमार, इन्होंने प्रणाम भेजा है 4 दिन पहले, प्रणाम सर उसका हमने जवाब दे दिया है, आप सभी को प्रणाम। उसी तरह से रणवीर मिश्रा, इन्होंने भी प्रणाम सर कहा है 4 दिन पहले, मैंने भी प्रणाम कहा है। संभवतः इनको मालूम था कि अस्वस्थ है, इसलिए जो प्रणाम करके हमको जगा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं स्वस्थ हुए हैं कि नहीं, तो हम भी उसके प्रणाम से ही प्रणाम, आपके प्रणाम आशीर्वाद और दुआ और आपके शुभकामनाओं से ही जल्दी स्वस्थ हो गए और आज आपके सामने हम इतना लेक्चर दे रहे हैं और कोर्ट में भी कई बहस कर चुके हैं और रोज बहस कर रहे हैं। उसके बाद प्रश्न है आदित्य सिंह सोलंकी, इन्होंने 4 दिन पहले लिखा है प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। आलोक कुमार लिखे हैं, ये काफ़ी जान किए हैं, इनका पहले बार प्रश्न भी आते रहा है इनका उत्तर में, इन्होंने लिखा है प्रश्नोत्तरी पर वीडियो कब तक आएगा, क्योंकि लंबा गैप हो गया इसलिए इनका वाजिब है। आप अब आपका जो समय आ गया आलोक जी, आज ही प्रश्नोत्तरी आपके सामने है जो आप सुन रहे हैं, आपका प्रश्न का इसमें सब कवर हो जाएगा। उसके बाद 18वां में है हिमांशु कुमार, सर जी आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, ये भी बहुत शुभकामना के साथ इन्होंने कहा है, आपको बहुत बहुत शुभकामना और दुआ सलाम आपको, आपके प्रति मेरी भी शुभकामना है, इस पर आप पर कृपा करें हिमांशु जी। उसके बाद एक प्रश्न है माला सिन्हा का, माला सिन्हा पहले भी प्रश्न करते रहे हैं, कहाँ से याद नहीं है या इन्होंने लिखा भी नहीं है, घर मजूरों मालिक रहती भूमि है उसकी बिक्री हो सकती है या नहीं। देखिए जब गैरमजुआ मालिक है तो रहती भूमि नहीं हुई, गैरमजुआ मालिक जिस समय था उस समय वो मालिक की जमीन थी यानी जमींदार की जमीन थी, जमींदार उसको रहती कब बनाएगा इस पर बीती एक पर बता चुके हैं। जमींदार अगर अपने जोत आबाद में रखे हुए गैरमजुआ मालिक भूमि तो उसका वो खुद कास्त हो गया, खुद कास्त हो गया या जीरात हो गया, और जब जमींदारी जाने लगी उसने शो किया कि हमारे कब्जा में है, जमींदारी उन्मूलन के समय उसी का अगर कब्जा रहा तब वो रैयत हो गया, बिहार सरकार उसका जमींदार हो गया, तब ऑटोमेटिकली वो रैयती जमीन हो गया। वो सिर्फ क्या करेगा, लगान निर्धारण के लिए आवेदन देगा जमींदार या उसका बाल बच्चा, सरकार उसका लगान ले लेगी तो परमानेंट रैयत हो गया। उसके बाद फिर मस्ती बिथ मनोज, जिनका पहले एक बार आया था, फिर उन्होंने एक प्रश्न किया 20वां प्रश्न है ये, जमीन का बाजी दावा पूछे हैं लेकिन टाइपिस्ट ने गलत कर दिया लगता है, या गलत इन्होंने लिखा हुआ बाली दावा, बाली दावा करके कोई शब्द है, जमीन का बाजी दावा क्या होता है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम पहले लेक्चर दे चुके हैं, क्या इसका कोई डीड भी बनवाना होता है बीटी एक्ट में केस करने के लिए। अब देखिए अब 3 प्रश्न घुसवा दिए, पहले एक चीज़ आप समझ जाइएगा तो दूसरा समझिएगा, दूसरा समझिएगा तीसरा अपने आप समझ जाएगा। देखिए कोई भी केस करने के लिए अगर कोई कागज़ बनाता है इसका माने है कि उसके पास कागज़ नहीं है और उसका जो दावा है उस ज़मीन पर सही नहीं है, या तो अपने बुद्धि विवेक से वो कुछ जाली फरेबी कागज़ बना रहा है अपना दावा खड़ा करने के लिए, या कुछ वकील लोग भी इस तरह का काम लोअर कोर्ट में करते हैं, राय देते हैं कि ऐसा कागज बनाओ या ऐसा कागज लाओ, उसमें ऐसा कागज बना देंगे तब थोड़ा केस खड़ा हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। हाँ हम आपको ज्ञान के लिए बता रहे हैं, बाजी दावा दो वर्ड मिलकर बाजी और दावा से बनाओ, दावा का मतलब क्या हुआ क्लियर, जैसे आप कहते हैं कि जमीन मेरी है तो ये आपका दावा हुआ कि जमीन पर आपका दावा है कि मेरा है, मैंने आप इसके मालिक हैं टाइटल होल्डर। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई जमीन से हमको कोई मतलब नहीं, हमारा दावा से हम बाज आए मतलब हम इससे अलग हो रहे हैं, हट हो रहे हैं, तो बाजी दावा का मतलब दावा से अलग होना, हटना, अपना दावा छोड़ देना, इसी को बाजी दावा बोलते हैं। इसको दूसरा वर्ड भी उर्दू में कहते हैं ला दावी, ला माने निगेटिव होता है, जैसे औलाद का माने बाल बच्चा, ला औलाद माने बिना औलाद के, निगेटिव से उसी तरह ला दावी, दावी को छोड़ना हो गया ला दावी, उसी को बाजी दावा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट या रिलीज, इसकी कानूनी मान्यता है और नहीं भी है, ये समझने के लिए थोड़ा सा कानूनी जानकार वकील या जज लोग को ही समझना आसानी होगा, आम आदमी के लिए ना मुश्किल है लेकिन हम साधारण भाषा में समझाते हैं। वो एक बयान है, अगर आप किसी को लिख कर देते हैं बाजी दावा तो उस कागज से उस व्यक्ति को कोई जमीन पर हक नहीं होगा या उसका हक खत्म नहीं होगा,
इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं इस माने में। किसी जमीन पर हक बनाने के लिए या हक खत्म करने के लिए बाजी दावा नहीं है। बाजी दावा का महत्व इतना है कि जो आदमी बाजी दावा दे दिया वो बाद में उससे मुँह कर नहीं सकता है, दावा नहीं कर सकता। ये फायदा है आपको, जैसे आपको लड़ाई किसी से है, आपको दुश्मन जो है उससे लड़ाई चल रहा है, आपका दुश्मन ने लिख के दे दिया बाजी दावा, तब आप निश्चित हो गए, आराम से सोइए। जब वो दोबारा दावा करेगा तो उसका बाजी दावा लिखा हुआ है दिखाइएगा कि तो बाजी दावा दे चुका है, इसका तो कोई क्लेम ही नहीं है, तब उसमें आपको मदद मिलेगा। तो उसलिए वो वैलिड हो जाएगा, उस काम के लिए वैलिड हो जाएगा। लेकिन उस ज़मीन से अगर आपका टाइटल नहीं है और बाजी दावा से आप पहली बार टाइटल क्लेम करते हैं तो आपका टाइटल नहीं होगा। इसलिए बीटी एक्ट में केस करने के लिए बाजी दावा लेना जरूरी नहीं, ऐसा कैसे है, ये तो भेक प्रश्न है। जब सिचुएशन वैसा आ गएगा तब हो सकता है। जैसे आप कोई केस किया किसी को और वो आदमी दावा कर रहा है, उसका दावा गलत है या सही है, अब बाद में वो आपको बाजी दावा दे दे केस के दौरान या केस के बाद या केस के पहले, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद है शिवजी यादव गोपालगंज, इनका तो जवाब दे दिए है, 3 महीना पहले इन्होंने प्रश्न किया था यूट्यूब पर और यूट्यूब पर लिखित जवाब दे दिया। शिवजी यादव आप पढ़ लीजिएगा, आपका जवाब यूट्यूब पर है, इसलिए टाइपिस्ट ने भी आपके प्रश्न को नहीं लिखा है, आपका जवाब और लिख दिया पर। तो आज के प्रश्नोत्तरी में सभी प्रश्न आज तक जो हमारे पास अवेलेबल है यूट्यूब और व्हाट्सएप पर या जो डायरेक्ट फोन से हमसे पूछे गए थे, सभी का उत्तर हमने दे दिया है। और मैंने जो बार बार रिपीट किया है सूचना के लिए, आमजनों के लिए, आप सभी श्रोताओं के लिए, उस पर कृपया ध्यान देंगे, अनावश्यक प्रश्न पूछेंगे एक ही विषय बिंदु पर जिस पर वीडियो अवेलेबल है, बार बार नहीं पूछेंगे और उसी को घुमा फिरा करके नहीं पूछेंगे। या तो हम या जवाब नहीं देंगे या जवाब सही नहीं देंगे या जवाब गलत देंगे, तो किसी भी हालत में आपको लाभ नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होगा। धन्यवाद।